Assalamu alaikum, welcome to 5th episode of Dharma Shine. I am Shanti Rafri, hope you guys doing good. तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी पैडी किट, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप अपने हैंड्स एंड फीट को कैसे प्रेजेंटेबल कर सकते हैं और हमने आपको साथ ही उसका यूज़ बताया था. तो ऐसे ही आज हमारे पास है डर्मा शाइन की एक्ने किट, जिसमें इसके 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं. तो इसी किट के बारे में आप लोग के काफ़ी क्वेश्चंस भी थे, जिसमें आपने पूछा था कि जो आपकी स्किन पर एक्नी स्कार्स हैं जो रह जाते हैं, उन्हें ये लाइटन करती है और जो आपकी स्किन है उसे वाइटनेस और ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है. तो जी, ये आपकी स्किन को वाइटनेस भी प्रोवाइड करेगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, नरिश करेगी, ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी और साथ ही जो आपकी स्किन पर एक्नी स्कार्स हैं ये उन्हें भी रिड्यूस करेगी और जो डार्क स्पॉट्स भी रह जाते हैं उन्हें भी रिड्यूस करेगी. तो अब हम बात करते हैं कि जो स्किन है उस पर एक्नी आती कैसे है, उस पर एक्नी प्रोड्यूस कैसे होती है. तो जो आपके जो स्किन पर पोर्स हैं वो ड्यू टू ऑयल और डेड स्किन सेल ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन पर एक्नी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है. ऐसे ही आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप मेकअप वगैरह करते हैं, उसके कॉस्मेटिक्स, उससे भी जो आपके पोर हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो जो आपकी स्किन पर है एक्नी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. तो जो ये डर्मा शाइन की एक्नी किट है ये इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगी, आपकी स्किन जो है उसे नरिश करेगी, स्किन को रिस्टोर करेगी और जो आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, एक्नी स्कार्स रह जाते हैं, उन्हें ये लाइटन करेगी. अब जो हमारी एक्नी किट का फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है क्लेंजर. तो आपको जैसे पता है कि जो क्लेंज़र है वो आपकी स्किन को क्लेंस करता है, और मैंने आपको बताया कि आप जो एक्नी है वो आपकी स्किन पर कैसे प्रोड्यूस होती है, कि जो आपकी स्किन पोर्स हैं वो ड्यू टू डर्ट ब्लॉक्ड हो जाते हैं. तो जो क्लेंज़र है उसका यही काम है कि आपकी स्किन को ये क्लीन करेगा और आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा. देन इसमें जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स हैं वो जो हैं वो आपकी स्किन से ऑयल को प्रिवेंट करेंगे, और जैसे ही ऑयल प्रिवेंट होता है डेड स्किन सेल्स प्रिवेंट होंगे तो आपकी जो स्किन है वो क्लीन होगी और प्योरीफाई होगी. अब जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है वाइटनिंग मसाज क्रीम. वाइटनिंग मसाज क्रीम में नेचुरल हनी एंड लेमन एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को स्मूथ रखेंगे और सॉफ्ट करेंगे. फिर हम बात करेंगे इसके यूज़ की. आपने इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है और इसको आपने अप्लाई ऐसे करना है कि आपने इसको अपने फेस पर इसकी मसाज करनी है, और इसकी मसाज आपने तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए. देन आप इसको फिर वॉश आउट कर लें, फिर आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है काफ़ी स्मूथ हो गई है और आपकी स्किन को ये काफ़ी नरिश करेगी. अब जो हमारे पास एक्नी किट में नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल. डर्मा शाइन की एक्नी किट की जो एलोवेरा जेल है ये 100% प्योर है, और एज़ यू नो कि जो एलोवेरा है वो आपकी जो बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, आपकी स्किन पे जो बर्निंग स्कार्स रह जाते हैं, डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, और ड्यू टू सन एक्सपोजर आपकी स्किन पर टैन पड़ जाता है, ये उसे रिमूव करेगी. तो आपकी ये जो जेल है आप इसको किसी भी वक्त लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाऊं. इसका टेक्सचर जो है वो है जेल फॉर्म में, और आप इसको एज अ मास्क और लाइक सिंपल एक क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वाइटनिंग फेशियल मास्क. इसमें जो है वो नेचुरल ककम्बर एक्सट्रैक्ट शामिल हैं जो कि आपकी स्किन को काफ़ी फर्म रखते हैं, आपकी स्किन की जो है उसको डीप क्लेंस करते हैं और इसे टाइटन रखते हैं. देन फिर हम बात करते हैं इसके यूज़ की. तो आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करेंगे. आपने इसको ऐसे यूज़ करना है कि आप इसे अप्लाई करेंगे एज अ मास्क, फिर आफ्टर 15 to 10 मिनट्स आपने इसको वॉश आउट कर लेना और अपने जो आई एरियाज़ है उनसे अवॉइड करिएगा. देन फिर हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की. इसका टेक्सचर जो है वो जेल फॉर्म में है, उसको आपने एज अ मास्क अप्लाई करना है. फिर आप इन रिजल्ट्स देखेंगे कि जो आपकी स्किन है वो काफ़ी फ्रेश, ब्राइटन और जो स्किन की काफ़ी डीप क्लिंस हो चुकी है. हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्किन पॉलिशर.
और स्किन पॉलिशर की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये आपकी जो है जो डेड स्किन है उसे रिमूव करता है, और इसमें नेचुरल मिक्स फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को फ्रेश रखने में, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और जो डेड स्किन लेयर है उसे रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आपने इसको यूज़ ऐसे करने कि आप इसे अप्लाई करेंगे, देन आप इसकी मसाज करेंगे, मसाज करने के बाद आप इसे वॉश आउट कर लें विद ल्यूक वार्म वाटर, और आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करें। देन आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि आपकी स्किन को काफ़ी ब्राइट कर रहा है, आपकी स्किन को वाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड स्मूथ कर रहा है। अब जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है डर्माशाइन टी ट्री फेस वॉश, जिसमें नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स शामिल हैं और जो कि आपकी स्किन को प्योरीफाई करते हैं, आपकी स्किन पर होने वाली एक्नी उसे प्रिवेंट करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं जिससे मतलब जो डर्ट वगैरह उस सबको रिमूव कर देते हैं, जिससे आपकी स्किन पर जो एक्नी है वो कम होती है, वो प्रिवेंट होती है, और ये आपकी स्किन पर मौजूद एक्नी स्कार्स उन्हें भी रिमूव करता है। और आप इसे डेली बेसिस पर ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी डर्माशाइन की एक्नी किट, और अगर आपने हमारे ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप थ्रू वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप इन कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं, जो कि फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के आंसर्स देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।